हेलो एवरीवन, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर सिक्स इंटीजर्स का एमसीक्यू सीरीज़ का सेकंड पार्ट, जिसमें हम ऑलरेडी 14 क्वेश्चंस कर चुके हैं जो आपके एमसीक्यूज इस चैप्टर से बन सकते हैं या पेपर में आ सकते हैं, मैं वो करा रही हूँ। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 15 से। बस रिक्वेस्ट रहेगी कि सारी वीडियोज़ एक साथ कॉन्टीन्यूटी में देखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं हैं तो कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है हर क्लास की, तो प्लीज़ वो जाकर देख लो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज वैल्यू ऑफ 2 लेस देन माइनस 1 इज, ध्यान से पढ़ना ऐसे क्वेश्चंस को, बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। वैल्यू ऑफ 2 लेस देन माइनस 1, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, इंग्लिश को समझो थोड़ा सा क्वेश्चन का। बोल रहा है माइनस 1 से 2 कम कितना होगा। तो सबसे पहले तो नंबर लाइन बना लो अपने आगे, नंबर लाइन में माइनस वन यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये रहा नंबर लाइन में माइनस वन, ठीक है। दो कम कर दो माइनस वन से। अब जब भी हम कोई चीज़ कम करते हैं नंबर लाइन में, वो टूवर्ड्स लेफ्ट जाता है, ठीक है। सो माइनस वन से दो कम करो, एक और दो, दो जंप करो लेफ्ट में, राइट नहीं जाना। राइट तब जाते हैं जब हम इस साइड तब जाते हैं जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं तो लेफ्ट में जाएंगे। तो माइनस थ्री आपका सही ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। टू विच साइड ऑफ जीरो ऑन अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन आर द नेगेटिव इंटीजर्स लोकेटेड। बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबर लाइन में जीरो की कौन सी वाली साइड नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, नेगेटिव इस साइड आते हैं। अब ये इस साइड कौन सी साइड है, ये है आपकी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। भाई सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। अब ये मत सोचना नंबर लाइन तो इनफाइनाइट होती है, कभी भी चलती रहती है, तो ग्रेटेस्ट तो बता ही नहीं सकते। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है। देखो नंबर लाइन में जीरो, यहाँ वन, यहाँ टू, यहाँ माइनस वन, यहाँ माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ऐसे चलेगा, ठीक है। सो ज़ीरो से अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो ये तो सब पॉजिटिव है, इसकी तो यहाँ क्वेश्चन में बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। तो देखो पहला नेगेटिव इंटीजर है माइनस वन। अब जितना हम इस साइड जाएंगे लेफ्ट में जाएंगे उतना नंबर्स छोटे होते जाएंगे, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, ये माइनस वन ही तो हुआ सबसे बड़ा है। इससे बड़ा कोई है ही नहीं, इससे बड़ा फिर वो पॉजिटिव आ जाएगा या ज़ीरो आएगा, जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। इस माइनस वन से अगर मैं बड़े पे जाऊंगी तो या तो ज़ीरो आएगा या वन आएगा, ये पॉजिटिव हो गए, ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो सबसे बड़ा तो माइनस वन हुआ ना, ठीक है। सी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है वैल्यू निकालो 12 प्लस माइनस 6 की। सो ये आपको डंडे देखकर समझ जाना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है, यानी आपको साइन को इग्नोर करना है। तो 12 प्लस 6 करना है सिंपली, 18 इज योर आंसर, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी समझाया है, ए पार्ट है करेक्ट ऑप्शन माइनस वन। नेक्स्ट इज विच नंबर इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। ये हम पिछली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन किया है हमने। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेसर देन 7। अब देखो नंबर लाइन बनाओ, माइनस वन से तो बड़ा है तो माइनस वन यहाँ बना लो, क्योंकि बड़े की बात करनी है तो मैं इस साइड बना रही हूँ। फिर यहाँ ज़ीरो आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड 7। कौन सा इंटीजर बड़ा है माइनस वन से, यानी कि इस साइड है माइनस वन की और लेस है 7 से, 7 से छोटा है, तो इसके लिए हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। माइनस नाइन, तो माइनस नाइन तो बीच में देखो नहीं आ रहा, यही इंटीजर्स है हमारे पास, माइनस नाइन नहीं है, माइनस फाइव भी नहीं है, फाइव बिल्कुल आ रहा है, देखो इरा फाइव, तो फाइव हो सकता है, एट, एट भी नहीं आ रहा, सेवन से पहले पहले हमें चेक करना है, एट तो यहाँ पर आएगा कहीं पर, है ना, तो एट भी नहीं है। सो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी, विच इज़ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 3 मोर देन माइनस 5 इज, 3 मोर देन माइनस 5। तो सबसे पहले तो माइनस 5 बना लो, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 1, 0,
1, 2, 3 ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ 3 मोर देन माइनस 5, माइनस 5 से 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा मीन्स 1, 2, 3, ऐड करना, इसीलिए मैं किस साइड जा रही हूँ, टूवर्ड्स राइट, ठीक है, अपने राइट साइड जा रही हूँ क्योंकि हमें बढ़ाना है, मोर पूछ रहा है वो। कहाँ पहुँचे आप, माइनस 2 पे, तो माइनस 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन विच इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वॉट मस्ट बी एडेड टू माइनस 135 टू गेट माइनस 142। इस तरह के क्वेश्चन गारंटेड पेपर में आते हैं और बच्चे इसमें काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको करने का तरीका देखो, बहुत इजी है, आपको बस एक बार सही से लिखना है इसको। मैं सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ। क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड करें, जो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है वही मैं अपने एक तरह से समझने के लिए लिख रही हूँ। क्या जो चीज़ नहीं पता उसकी जगह डाल दो क्वेश्चन मार्क। क्या ऐड करें, ऐड मीन्स प्लस करें, किस में, टू माइनस 135। माइनस 135 में क्या ऐड करें कि मुझे कितना मिल जाए, टू गेट, जहाँ पे टू गेट इक्वल्स इस तरह का कुछ वर्ड मिल जाए, ये इट मीन्स इक्वल्स टू की बात हो रही है, माइनस 142। क्वेश्चन ये है क्या ऐड करें माइनस 135 में टू गेट, टू गेट यानी इक्वल्स टू 142 मिल जाए हमें माइनस में, ठीक है। सो जहाँ क्वेश्चन में आ गया वहाँ समझ लो x है, प्लस माइनस 135 इक्वल्स टू माइनस 142, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस माइनस होता है माइनस 135 इक्वल्स टू माइनस 142। एक्स को यहीं छोड़ दो, 135 उधर चला जाएगा, उधर जाके वन माइनस 142 भी अपनी जगह पे, ये माइनस 135 उधर जाके पॉजिटिव 135 हो जाएगा, साइन चेंज करता है बंदा, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, दोनों को माइनस करो, माइनस करके आएगा 7। बड़ा कौन सा है, 142 या 135? 142 बड़ा है, बड़े वाले के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा दो, x इक्वल्स टू माइनस 7 विच इज़ योर करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन माइनस 1, माइनस 1 से बड़ा कौन सा नंबर है। तो भाई माइनस 1 नंबर लाइन में यहाँ पे आता है, उससे जितना भी इधर जाएंगे इस साइड जाएंगे नंबर्स जो हैं छोटे होते जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमें पॉजिटिव नंबर ढूंढना है, या तो 0 होगा या और कोई पॉजिटिव नंबर, तो 0 तो यहाँ है नहीं, पॉजिटिव नंबर है 2, ये माइनस 1 से बड़ा ही होगा क्योंकि राइट में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज द ऑपोजिट ऑफ माइनस 7 इज, माइनस 7 का ऑपोजिट क्या होगा, माइनस नेगेटिव 7 है तो पॉजिटिव 7 ऑपोजिट हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ माइनस 45 प्लस 30 इज माइनस 45 प्लस 30, इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 45 और 30 को माइनस कर दो 15, एंड साइन आएगा बड़े वाले का, बड़ा है 45, इसके पास है नेगेटिव, नेगेटिव साइन, सो माइनस 15 इज योर करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीजर इज 4 इज मोर देन माइनस 5, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, द इंटीजर 4 इज मोर देन माइनस 5 या कुछ लैंग्वेज का मुझे लग रहा है दिक्कत, कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस 5 से 4 ज़्यादा क्या होगा। सो नंबर लाइन में माइनस 5 बनाते हैं, ज़्यादा की तरफ जाना है तो मुझे राइट जाना है, मुझे पता है, तो मैं इस साइड से बनाऊंगी, ठीक है, समझाने के लिए मैं ऐसे बना रही हूँ, अदरवाइज हम वैसे भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। इधर आएगा माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, बस इतना काफ़ी है। तो माइनस 5 से 4 ज़्यादा कौन सा इंटीजर होगा, 4 ज़्यादा करो, 1, 2, 3, 4 कहाँ पहुँचे, माइनस 1 पे पहुँचे, तो माइनस 1 सी पार्ट में आपको दिख गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर विद एप्रोप्रिएट साइंस, आपको सही साइन के साथ नंबर लिखने हैं, 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री तापमान ऊपर है, प्लस 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री ऊपर, प्लस 30 हो गया सिंपल, तो प्लस 30, बस 30 डिग्रीज, इतना इजी है, ठीक है। अगर होता 0 से 30 डिग्रीज बिलो,
बिलो मीन्स इसके नीचे, यानी कि -30 -30, ठंड है इस टाइम पे, लेकिन आंसर में ये पॉजिटिव बोल रहा है, तो इसकी गर्मी, मतलब नॉट दैट समर, पर हाँ थोड़ा सा गर्मी का टाइम है। जीरो से बिलो जाता है, बिलो मीन्स माइनस में जा रहा है, चीज़ें ठंडी हो रही हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर विद अप्रोप्रिएट साइंस। सही साइन यूज़ करके आपको नंबर को लिखना है। 150 मीटर बिलो सी लेवल, अब मान लो सी लेवल ये रहा, उसके नीचे की बात हो रही है, कितना, 150 मीटर, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, -150 मीटर, तो -150 से, क्योंकि किसी चीज़ के नीचे यानी डिक्रीज होने की, या बिलो वर्ड लिखा हो इस तरह से बात हो रही हो, तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अबव लिखा हो, इंक्रीज लिखा हो, ग्रो लिखा हो, ग्रोथ, ऊपर की बात हो रही हो, अबव किसी भी चीज़ के, तो पॉजिटिव में लिखोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्योंकि अगेन फिर से बहुत लंबी वीडियो जाएगी, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो वैल्यू ऑफ -15 -16 इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, -15 -16 सॉल्व करना है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 15 और 16 इज 31, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, विच इज़ माइनस, तो -31 जो है आपका ए पार्ट सही ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, या इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।